हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करछि आपण मानको मो चैनल को। मो जी माछर दीटा रेसिपी आपण मानन करके देखेबी, आपण मानन पे शेयर करबी। आशा करबी आपण मानन निश्चित भल लागियो। मो जे माछटा जो भाजिली एटा होची पानी आखिया माछ, एटा मो भाजि देली। एटा होची फर्स्ट आइटम आपण मानन कर देखौची। तबरे मो पाच फुटण देली, तबरे प्याज देली। देखि ई परिवा होची ओलकोबी, फूलकोबी, आलू एक टे भल भाव में मुझे भाजीदेवि। तेल टी पूरा भल भाव भाजीदेवि। भाजीदेलापुर मसला आड करी। मसला हूँ अदा, रसुण, पिंज, जीरा आई गुटा झोल बन आउटे साधा मसला देकी साधा करी, मैंने मसला देकी करी। दीटा आइटम मसला देकी आपरी देखेबी। पानिया खिया माछ आम भद्रक साइड्रे कहते पानिया खिया माछ, किंतु आपण जगह कौन कहते मुझे ना। यहाँ समुद्र माछ बहुत टेस्ट, कंटा बहुत थाए कि बहुत टेस्ट लगे। यहाँ शीत दिन ही से माछटा ही मिले। देखो भजा होगा भल भाव पर टमाटो दीटा काटिकी तैद पकली, टमाटो काटिकी पकेबी। तापर जी मसला मुझे सब मैंने पेस्ट कर मसला को भी याद देवी। ये अदा, रसुण, पिंज, जीरा ये मसला मुझे दे मसला गोटे भल भाव ड्राए मसला भी तादर आड करी। आशा करूँ मुझे रेसीपी दीटा आप सामने सेयार करूँ, सेयार करूँ निश्चित आपण मन को भल लगे। भल लगे लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, केबे भी भूलिबेनि। देखो तो मोर दीटा रेसीपी माने पानिया खिया माछरे दीटा रेसीपी कर देखी। से गोटे पर देखी गली आ गए मैंने खाली मसलार करी मुझे ड्राए मसला होपण मन को कहीदेली। अदा, रसुण, पिंज, जीरा मुझे ग्राइंडिंग कर मसला दे तुम्हें जीरा गुंड, लंका गुंड, आुण एगुड़ा सब दे कि भल भाव मसलाटा को पर भल भाव कषिदेवि। परिवाटा आमर भल भाव भाजी गले भल लगे कहीं मसला सागर पर जी सीझी थोड़ा पर मसला कषा कषि करवा पूरा भल भाव सीझीज सीझीगला भल भाव कषा जहाँ मसलार बासना गंध रहा भल भाव टे कषा कषिदेवि। देलापुर मुझे अल्प धनिया पतर पकेबी, तरकारी होगले भी धनिया पतर पकेबी। और देखो तो मुझे मोर मसला कषिदेली, ये धनिया पतर अल्प पकईजी मुझे तरकारी हो सब आगे पकेबी। ए पकड़े तार बासनाटा बहुत भल आसे। मोर अलरेडी पर भल भाव कषा कषि मोर होगला, मोर भी पर सीझीगला। देखो कषा मसला कषिजी आपति जानवे जो मसला कषि सारे टी खड़िकाटा टी नहीं शुंगीदेवे। देखिए मसलार कौन गंध आसबी, जदि मसला भल भाव हो नाने मसला गंधटा हाँ आपण मन को जना पड़ आदली। पाटा फुटीगला मुझे मोर पाया खे मैं पकईदे कि मछटा बहुत टेस्ट लगे। ये शीत दिन ही मछटा मिले आ बहुत टेस्ट समुद्र मछ कि कटा बहुत थाए ना बहुत टेस्ट मछ। देखो मोर फुटीगला मछटा मोर हो गला, तरकारीटा मछटा पकईदी तरकारीटा मोर अलरेडी होगा। मछर तरकारी मछटा पकला गोटे सेकेंड खंड फुटेदेवे तपर मोर तरकारी आउट आइटम करके आपटा देखिए। एटा ये भी सेमती खाली मसला देखिए करेंगे कुछ सेमती जीरा आदा, रसुण, पिंज, जीरा पोस्तक देखिए एटा मसला तरकारीटा मुझे करी। मैं तेल दे पच फुटण देसापुर पिंज टे पिंज पिंज क्वांटिटी टी अधिका देखिए पिंज गोटे मीडियम साइज़र पिंज मुझे काटिकी देली। तापर होगा बड़ बड़ टमाटो दीटा भी काटिकी कंचा लंका भी देदेली। टमाटो भागटा टी अधिका दे से जिनसा भल टेस्ट लगे। भल भाव पिंजटा मोर अधा होता कहीं पूरा ब्राउन कर नी अधा पिंज होता तरह टमाटो पकईदेली। टमाटो भी पिंज सागर टेज भल भी लगे मोर पिंज टमाटो जो आम टमाटा पकेबा ता संग लुणटा पकईदे टमाटा शीघ्र मेल्ट हो तरकार। टमाटो मेल्ट हेल्ले तरकार स्वादटा बढ़े। लुण पकईदेली तपर लखा गुंड देली। यहाँ हलदी गुंड दूसरी
ଆପଣ ଯେତେ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆପଣ ସ୍ପାଇସ୍ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବେ। ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ହଳଦୀର ନଦେଲେ ଯେତେ ଆପଣ ମସଲା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହଳଦୀ ହିଁ ତା'ର କଲର୍ ତରକାରୀର ମାନେ ସୁନ୍ଦରଟା ବଢ଼ାଏ, ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେ ପେଷ୍ଟଟା ପୁଣି ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼୍ କରିବି। ପେଷ୍ଟକୁ ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କଷିଦେବି ମସଲାରେ। ଆମେ କଷିବା କେମିତି ଜାଣିବା ତା'ର ମାନେ ମସଲାର କଷାଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ମସଲା ତେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲା ଆମର କଷା ହେଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ମସଲାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବି। କଷିଦେଲା ପରେ ତା ଗୋଟେ ମାନେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲେ ତା'ର ଗନ୍ଧଟା ଯେମିତି ରହିବ ନାହିଁ, ମସଲା ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷିନଥିବେ ମସଲା ଗନ୍ଧଟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଗଲାଣି, ତେଲ ମସଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଆସିଲାଣି, କଢ଼ାରେ ଆହୁରି ଲାଗୁନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଲି ତାକୁ ବି ଟିକେ ହାତରେ ଏମିତି ଦୋଳିକି ପକାଇଦେବେ, ମସଲା କଷିଲା ସମୟରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ତା ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା'ର କଢ଼ା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ମସଲା କଷା ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ହିଁ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ତା'ପରେ ମୋର ଫୁଟିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଅଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚକୁଡ଼ୁଛି, ଅଟା ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ପାଇଁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ୁଛି। ମୋର ପାଣିଟା ଭଲ ଗୋଟେ ଫୁଟିଗଲେ ମୁଁ ମାଛଟା ପକାଇଦେବି, ମୋର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।